अभी भी हमारे पास 15 दिन हैं अपने स्वर्ण भवन को बचाने के लिए। ये नीलामी तभी रुक सकती है जब यशोधर का पैसा वापस हो जाए। मैं जा रहा हूँ। सुनिए तो, सुनिए। क्या सोच रहे हो महाराज? अरे भाई, मैं सोच रहा हूँ खाने को कुछ बनाऊं या ना बनाऊं। अब स्वर्ण भवन में ना तो कोई कुछ खाने को तैयार है, ना किसी से बात करने को। बहुत बुरा हुआ मालिक के साथ। कितना मन लगाकर सेवा की थी मालिक की, पर अब लगता है किस्मत में शायद कोई और द्वार लिखा हुआ है। मतलब तुम यहाँ से जाने की सोच रही हो? भवन की नीलामी होगी तो जाना ही पड़ेगा ना। अब इस भवन को कोई और खरीद लेगा, क्या बताएं? भगवान भी कैसे कैसे दिन दिखाता। हाँ, मैं अपने गांव चली जाऊंगी। मुझे तो लगता है कि मेरी मेहनत और काम करने की लगन को देखकर नए मालिक मुझे यहीं पे नौकरी पे रख लेंगे। अरे सुंदरी, जरा वो स्टूल तो लाना। ये भी मेरी जिम्मेदारी है। तुमने क्या सोचा है चमकू? मैं मालिक को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं उनका नौकर नहीं, सेवक हूं। जैसे हनुमान जी थे श्री रामचंद्र जी के, समझे? पिताजी। आओ सोन प्रकाश, बैठो। पिताजी, आप तो कहते थे कि स्वर्ण भवन हमसे कोई नहीं छीन सकता। हम अभी यही कहते हैं बेटा, लेकिन नीलामी के बाद तो हमें यहां से जाना पड़ेगा ना। अरे, कुर्ते का बटन कैसे टूट गया? शायद रात भर करवटें लेने के कारण। हमें नींद नहीं आ रही थी पिताजी। तुमने कोशिश नहीं की होगी बेटा। कोशिश की लेकिन नहीं आई। ये तो कुदरत का नियम है बेटा, इंसान चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन होता वही है जो कुदरत को मंजूर होता है, जो कुदरत चाहती है। मतलब यशोधर चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, होगा वही जो कुदरत चाहेगी। पिताजी चलिए कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर से मिलते हैं, शायद लोन मिल जाए हमें। बैंक? बैंक जाएंगे हम? अब शहर भर से तो कुछ नहीं छुपाए पिताजी, स्वर्ण भवन को बचाने के लिए जाना ही पड़ेगा बैंक। पहले इस डर से लोन लेने बैंक नहीं आया, शहर भर को खबर हो जाएगी कि ठाकुर की हैसियत क्या रह गई। सोचा था महाजन वाली बात बंद मुट्ठी रहेगी, लेकिन अब अगर बेइज्जती हो ही रही है तो इज्जत को बचाने की कोशिश ना करना भी बेवकूफी ही लगती है। ठाकुर साहब, सारी दुनिया आजकल लोन के सहारे चल रही है, और फिर जो आपको 5-5.5 करोड़ रुपए यशोधर को देने हैं वो हम उसे दे देंगे तो नीलामी की नौबत ही नहीं आएगी। किश्त क्या बनेगी लोन की?
यशोधर को आने दीजिए, उसे कितने पैसे देने उसके बाद ही पता चलेगा। नमस्ते मैनेजर साहब। नमस्कार नमस्कार। कहिए कैसे याद किया? स्वर्ण भवन के कागज लाए हैं आप क्या? ठाकुर साहब पैसा दे रहे हैं क्या? आपको ठाकुर साहब से जो 5-5.5 करोड़ रुपए लेने हैं वो हमारा बैंक आपको दे देगा। आप हमें स्वर्ण भवन के कागज दे दीजिए। कितना? करीबन 5 करोड़ है ना? 5 करोड़ नहीं, 25 करोड़ हैं। ये देखिए उस 25 करोड़ की रसीदें। हमें माफ कर दीजिए पिताजी, हम अपने आप पर काबू नहीं रख पाए। आपने इस इंसान पर इतना भरोसा किया, राघव मामा जैसे नेक इंसान के बदले इन्हें रखा, इन्होंने आपके पेट पर छुरा घोंप दिया। हम अपने ऊपर किसी भी तरह की ज्यादती बर्दाश्त कर सकते हैं, पर आप पर जरा भी आंच आए ये हम नहीं सहन कर सकते।
श्रीवान लक्ष्मी चंद, ये सिला दिया तुमने हमारे नमक का? हमने तुम्हें हस्ताक्षर का अधिकार दिया और तुमने उसका गलत इस्तेमाल किया। लालच की भूख कभी खत्म नहीं होती है लक्ष्मी चंद, और यही भूख एक दिन खुद अपने आप को निकल जाती है, ये बात तुम याद रखना। आप लोग तो पैसे इल्जाम लगा रहे बेचारे सज्जन लक्ष्मी चंद जी पर, जैसे जैसे मुझसे पैसा लेकर इन्होंने खाया है। इन्होंने तो सिर्फ उन्हीं रसीदों पर साइन किए हैं जो असली हैं, और उन पर साइन करने के बाद ही स्वर्ण भवन में करोड़ों रुपया गया है। ये झूठ है। इस तरीके से झगड़ने से कोई फायदा नहीं। अरे मैं कहां झगड़ा कर रहा हूं, आप मुझे मेरे 25 करोड़ दे दीजिए, मैं चुपचाप यहां से चला जाऊंगा। फिलहाल आप यहां से चले जाइए, जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपको बता देंगे। पहले बुलाते हैं फिर भेजते हैं। और सुनिए, नीलामी के अलावा और कुछ नहीं होगा अब, समझे? लक्ष्मी चंद जी आइए। बैठिए ठाकुर साहब, पानी मंगवाओ। शहर भर के सामने पानी पानी हो गए हम, अब पानी की क्या जरूरत। पिताजी बैठिए। माँ, हम कर्जदार कैसे हो गए? बेटा, हमें कर्जदार कुछ इज्जत बचाने की कोशिशों ने कर दिया, और कुछ बदलते हालात ने। इतना बड़ा भवन, इतने नौकर चाकर, लेकिन कमाई का कोई साधन नहीं, सिर्फ खर्चे ही खर्चे। ऊपर से आए दिन चंदा मांगने वालों की कतार, उन्हें खाली हाथ लौटाओ तो इज्जत जाती थी, कुछ देकर भेजो तो तिजोरी खाली हो जाती थी। इसी तरह धीरे धीरे सब खत्म हो गया, तो एक एक करके हमारे गहने बिकने लगे। गहने बिकने लगे? पर माँ, आपकी अलमारी तो गहनों से भरी हुई है। इन कान के झुमकों और दो कंगनों के अलावा कुछ भी असली नहीं है। गहने खत्म हो गए तो उधार शुरू हो गया, और धीरे धीरे ये नौबत आ गई कि स्वर्ण भवन नीलामी की कगार पर आकर खड़ा हो गया। आज जो बाजार में हमारी 22 दुकानें हैं, उनका किराया भी तो आता है ना? कुल मिलाकर जानते हो उनका किराया कितना आता है? कुल किराया 500 रुपए से ज्यादा नहीं आता। अब 22 दुकानों में
कोई दुकान 20 रुपए किराए पर और कोई 25 रुपए किराए पर। हाँ हाँ, लेकिन हमारा केस चल रहा है कोर्ट में और किराएदार कभी केस जीत नहीं पाएंगे। दुकानें हमारी हैं, हमारी ही रहेंगी। और आज की तारीख में कम से कम 50-50 लाख रुपए कीमत है एक एक दुकान की। हाँ, लेकिन वो तब की बात है जब आप केस जीतेंगे। अभी केस चल रहा है और वैसे भी ये लोन मैं आपको दुकानें देखकर नहीं, सिर्फ स्वर्ण भवन देखकर दे रहा था। तो अब भी उसे देखकर दे दीजिए। देखिए, 5 करोड़ तक तो ठीक था। मैंने सोचा था कि स्वर्ण भवन के आसपास की जमीन बेचकर पूरा कर लूंगा, लेकिन अब 25 करोड़ थे। अगर ये लोन मैं आपको दे भी दूं, जो इस वक्त किसी भी हालत में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप चुकाएंगे कैसे? कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है आपकी। लेकिन अभी स्वर्ण भवन को किसी भी तरह नीलाम होने से बचाना है तो। देखिए, मैं आपके और आपके परिवार की बहुत इज्जत करता हूँ। सुनने में जरूर खराब लगेगा, लेकिन मेरी मानिए तो नीलामी हो जाने दीजिए। सुख में साथ देने तो 100 लोग आ जाते हैं, पर दुख सिर्फ अपनों के साथ ही बांटा जा सकता है। बस यही सोचकर मैं शताब्दी समारोह में नहीं आया, लेकिन जब ये सब पता चला तो रोक नहीं पाया। यही परीक्षा की घड़ियां हैं, जहां अपने और परायों की पहचान होती है। स्वर्ण भवन में आपका सब कितना आदर और सम्मान करते हैं, सभी आपको कितना प्रेम करते हैं, आप नहीं जानते। आपके आने से कितना हौसला मिला है हमें। हौसले के अलावा इस भाई के पास देने के लिए और कुछ है भी तो नहीं। अगर मैं अपना छोटा सा घर बेच भी दूं तो 2-2.5 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि वो पैसा आपकी कोई भी सहायता कर सकता है तो मैं नहीं नहीं राघव भैया, आपने इतना कह दिया बहुत है हमारे लिए। और फिर ये और आभा बैंक गए हैं ना, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। माँ, पिताजी आ गए। मामा,